रिकॉर्डिंग। ज़ेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ फ्लोरीन के साथ एक एक वैलेंसी होने की वजह से सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड्स, बचे इलेक्ट्रॉन्स 4, दैट मींस 2 पेयर्स, सो लोन पेयर इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड 4, दैट इंप्लाइज स्टेरिक नंबर Sn is 6 and hybridization is sp3d2. ICl2 minus का hybridization क्या रहेगा? How many electrons are there in I outermost cell? 7. 7. Negative charge किसके ऊपर रहेगा? Cl या Cl के ऊपर? तो sp Td. D बिल्कुल सही है। सो Cl के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो उसका ऑक्टेट हो गया पूरा। इस Cl का मान लो ऑक्टेट अगर पूरा हो गया, ठीक है, तो ये फर्दर इंट्रैक्ट कैसे करेगा? अगर इसको इंट्रैक्ट अगर ये कर रहा है तो ये अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके इंट्रैक्ट करेगा, दैट इज द ओनली वे आउट। और दूसरा वाला क्लोरीन जो है दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विथ क्लोरीन, सॉरी आयोडीन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ और इसका भी ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन देगा उसको आयोडीन एक्सेप्ट करता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। Am I making sense? Vacant d orbital. Yes, sir. अब आयोडीन के ऊपर अगर देखते हैं तो टोटल क्या रहेगा? How many sigma bonds? Sigma bond is equal to 2. Sigma b is equal to 2. और how many lone pairs? तो lone pairs total 7 electrons थे इसमें से, जिसमें से 6 को utilize किया, sorry, 1 को utilize किया है bonding में, और 6 इसके पास बचे हुए हैं, तो 6 बचे हुए हैं इसका मतलब क्या हो गया? 3 लोन पेयर्स, दैट मींस स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर sp3d, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर i3 माइनस की तरह लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा? क्योंकि 3 लोन पेयर जो हैं वो बाई पिरामिडल वाले में जो 3 लोब थे जो प्लेन में थे उनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3 पेयर ऑफ, यानी स्ट्रक्चर के नाम पर कुछ रहेगा नहीं। एक सेंट्रल एटम आई, ऊपर जुड़ा हुआ सीएल और नीचे जुड़ा हुआ सीएल माइनस। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। खैर वैसे पर मैं हम लोग फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो सीट मैंने भेजा है उसमें आप लोग देखोगे, तो यू विल गेट टू सी इट। अभी बताते जा रहा हूँ सो दैट उस समय एक बार और रिकैप हो जाएगा तो फिर भूलेंगे नहीं हम लोग। ज़ेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड फ्लोराइड, इसमें बॉन्डिंग पैटर्न्स क्या होंगे? इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करेगा इसका, ज़ेनॉन का ऑक्सीजन के साथ। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ जाएगा, बचा कितना? 2 तो लोन पेयर कितने हो गए? 1 सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे?
सिग्मा बॉन्ड्स या सराउंडिंग एटम्स. देखो बॉन्ड टोटल छह फॉर्म किया है, ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड फॉर्म किया है, बट दोनों सिग्मा थोड़ी रहेगा, सिग्मा तो एक ही रहेगा उसमें से ना. यस सर. अरे तो यही तो कर रहे हो. वो मोनो और डाइवेलेंट रहेगा तो क्या करेंगे? ये सर बस वो बुक में दिया था इसलिए पूछा. नहीं नहीं वो रहते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन रहते हैं सेम चीजों के, बट वो मोनोवेलेंट दिया हुआ है और उसमें बेसिकली उसमें ये रहता है ना, इसमें अगर ये अप्लाई कर रहे हो तो इसमें ये रहता है कि सारे एटम को मोनोवेलेंट कंसिडर करो, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो कराते हैं, बट आई थिंक एक मेथड को हर जगह फॉलो करोगे ना तो दैट विल बी गुड. जैसे लेविस वाला ड्रॉ करने के टाइम पर अगर हमने सीखा कि साइड एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस साइड एटम पर नेगेटिव चार्ज के थ्रू अगर हम लोग सारी चीजों को बिल्ड करके लेके चलेंगे ना, तो इट विल बिकम मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू रिमेम्बर, रिकॉल और ये डू थिंग्स इन लॉन्ग रन. बात समझ में आ रही है? Yes, सेम चीज के तीन अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वो तीन चीजें याद करने में आपका एफर्ट जाएगा और कुछ नहीं होएगा, ठीक है? ओके सर. हाँ सिग्मा बॉन्ड्स कितने फॉर्म होएंगे यहाँ पे? चार फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो रहा है, या तो सिग्मा बेसिकली यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करो या नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स काउंट कर लो, दोनों ही केसेस सही है, दोनों ही से ही आपको सेम चीज आएगा. वन लोन पेयर एंड फाइव बॉन्ड पेयर एंड दिस मेक्स स्टीरिक नंबर एज sp3d2. इस वाले का बताओ, इसमें मैं सोच रहा हूं हेल्प ना करूं. सर sp3d3. sp3d3, एवरीवन अग्रीज टू इट? यस सर. ठीक है सर, एक बार आप बताओ ना. नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ कैसे कैसे करोगे, जहां अटकोगे वहां पे मैं बताऊंगा. सर एक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? ये तुम बताओगे मुझे, किस ग्रुप में रहता है ज़ेनॉन? सर आपने सिर्फ एक्स लिखा है, वो मुझे एक्स सी से कंफ्यूज हो गया. अच्छा एक्स लिखा है क्या? ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने, आई एम सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक, इट्स एक्स ई. अभी बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? दैट्स माय मिस्टेक, मैंने यस सर 8 रहेंगे. ठीक है फिर आगे की कहानी, वी कैन नॉट स्टॉप हियर. बोलिए सर. वन पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड सिक्स सिग्मा बॉन्ड्स. वेरी गुड. तो स्फेरिक नंबर 7. वेरी गुड. 7 sp3d3. Awesome.
सो वी आर डन. रेस्ट ऑफ ऑल अभिषेक एंड रुबीसा आर यू गेटिंग दिस? यस सर. यस सर. विल यू बी एबल टू डू ऑन योर ओन अबाउट दिस वन? सर आपने ICL2 का शेप क्या बोला था? ICL2 लीनियर रहेगा, थोड़ा बेंड रहेगा, वो देखते हैं, शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, बट इट विल रिजेंबल टू लीनियरिटी. माय ओनली पॉइंट वाज बाई पिरामिडल है SP3D के हिसाब से, बट दैट विल अल्टीमेटली बिकम क्लोजर टू लीनियर. ठीक है, लगभग लीनियर दिखने लगेगा. क्यों? क्योंकि बॉन्ड प्लेन, एक प्लेन वाले जो तीन और बाइटल थे वो तीनों लोन पेयर से ऑक्यूपाइड है. So this is 6, therefore steric number is equal to 7 and hybridization will be SP3D3. Yes, IOX3, X is any halogen, ठीक है? Any halogen मतलब, let us take X as Cl. X is any halogen. अभी central atom कौन सा रहेगा मेरा? क्या क्या फिर से बोल. आई रहेगा. वेरी गुड. ठीक है, सेंट्रल एटम विल बी आई आयोडीन. आयोडीन, परफेक्ट. उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? सिग्मा बॉन्ड 4. टू लोन पेयर है. टू लोन पेयर है, चलेगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, राइट? बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है. ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा आयोडीन? एक या दो? वन करेगा. तो ऑक्सीजन का क्या होगा? 6 से 7. तो ऑक्सीजन स्टेबल. एक ऑक्सीजन सीएल के साथ भी जुड़ेगा. यस सर. ऐसा क्यों लग रहा है आपको? तो सर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. अरे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो आयोडीन के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी हो सकता है ना कंप्लीट? यस सर, हो सकता है ना. ऐसे आप जो सोच रहे हो वो भी गलत नहीं है, बट इस मॉलिक्यूल में एटलीस्ट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आप जो सोच रहे हो वो पूरी तरह से बेकार नहीं है, बट इस मॉलिक्यूल के अंदर में एटलीस्ट वैसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो कि ऑक्सीजन एक तरफ आई से और एक तरफ सीएल से जुड़ा हुआ है. ये कंडीशन नहीं होता है. इसमें कंडीशन ये होता है कि आई के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, सीएल तीनों जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, अब हमको इनका स्ट्रक्चर पता करना है. लेविस डॉट में हमको ये पता चला हुआ है, या फिर ऐसे समझो कि स्ट्रक्चरल शेप एनालिसिस में हमको ये पता, बॉन्डिंग पैटर्न में, कि आई के साथ ओ जुड़ा हुआ है और आई के साथ ही सीएल भी जुड़े हुए हैं. अब हमें इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है. ठीक है, कैन वी डू दैट? यस सर, प्लीज.
सर SP3D। दो तीन पांच यूज हो गए, एक बचा रहेगा, एक चार पांच SP3D। सर लोन पेयर कितने होंगे? आप बताओ मुझे जोड़ करके। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आयोडीन के पास वैलेंस सेल में? सेवन। सेवन। सेवन में से ऑक्सीजन के साथ कितने यूज करेगा वो? टू टू। क्लोरीन के साथ? थ्री। वन 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 ईच थ्री। तो बचे यस कितने सर उसके पास? टू। वन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? फोर। फोर स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? फाइव। फाइव हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? SP3 SP3 D। डी। वेरी गुड। आगे आते हैं ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड पे, और इसका बताएगी रूबीसा। ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एट। वेरी गुड। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? एट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? सिक्स। ओके ओके। सिक्स। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और एट कंप्लीट करने के लिए? टू। टू। तो वो टू किससे लेगा? जेनॉन से, यानी से जेनॉन के साथ दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा और जेनॉन भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन के एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। यस। नेक्स्ट थिंग इज फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए? फ्लोरीन के पास होते कितने हैं आउटर मोस्ट सेल सिक्स। में? सेवन। फ्लोरीन सेवन, सेवेंटींथ ग्रुप। वन। यस। ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जेनॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ये रहेगा इन लोगों का। एक और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और फ्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब जेनॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे वैलेंस सेल में? एट थे। ठीक है, उसमें से दो यहां यूटिलाइज किया उसने और एक यहां, तो टोटल चार यूटिलाइज कर लिए, तो बचा कितना? चार। चार। तो लोन पेयर कितने हुए? नहीं, चार। पेयर कितने होंगे? चार तो खुले इलेक्ट्रॉन हुए ना, पेयर कितने हो जाएंगे? 4/2, दैट इज टू। टू। ठीक है, सो लोन पेयर आर टू। स्टेरिक नंबर क्या, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए या कितने आटम से ये सराउंडेड है जेनॉन? एक दो तीन, थ्री थ्री एटम्स, थ्री एटम्स। यानी सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? थ्री। जितने एटम से सराउंडेड होगा उतने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी के सारे बॉन्ड्स यहाँ पर पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ये चूंकि यस। तीन आटम से सराउंडेड है, मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया? थ्री थ्री। फोर। प्लस फाइव। फाइव। टू, फाइव। फाइव के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP3 D। SP3 डी। वेरी गुड।
सो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लिखा हुआ है वहां पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ऐसा लिखवाया है मैंने. ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, तो ये भी रिजेंबल करेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को, बट एग्जैक्टली नहीं होगा वैसा, थोड़ा मॉडिफाइड होगा. मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे वैसे पर करने के टाइम पर. ये एक्चुअली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से मॉडिफाई होकर के टी शेप मॉलिक्यूल बन जाता है, टी शेप मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो ये ऑब्वियसली वी विल सी, बट इसका बेस स्ट्रक्चर जो रहता है वही रहता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, बट लोन पेयर की पोजिशनिंग की वजह से ये टी शेप बन जाता है. ठीक है, लेट अस कम टू दिस कार्बन. कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रुबीसा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज कार्बन हैव? आउटर मोस्ट चार होंगे, टोटल कितने होते हैं? एट. सिक्स. सिक्स, ओके. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज सिक्स. इज इट ओके? यस सर. आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 1s2, 2s2, p4. सॉरी p2. ये चार जो होते हैं ये बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं. ठीक है, अभी इस कार्बन का स्टेरिक नंबर क्या है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर मोस्ट सेल में? कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? चार. कितने एटम से ये सराउंडेड है? तीन. राइट, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन यही इसके सराउंडिंग में है ना. दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हुए और इस कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग किए हुए हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं. राइट, तो लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर कुछ बचा क्या? इलेक्ट्रॉन खाली बचेंगे क्या? चार इलेक्ट्रॉन थे, एक एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और दो इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तो इसके पास कुछ खाली इलेक्ट्रॉन बचेगा. लोन पेयर इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो. लड्डू. जीरो. सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सराउंडिंग एटम्स टू दिस कार्बन? थ्री सर. थ्री. थ्री. तो व्हाट इज माय स्टेरिक नंबर? sp2. वेरी गुड, स्टेरिक नंबर इज थ्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. तो यहाँ पर ये वाले कार्बन का क्या नेचर होगा? दिस इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, ये कुछ इस तरह का होगा अरेंजमेंट. यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों लगभग 120 डिग्री. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है हम लोगों को? वेरी गुड. अब सेंट्रल वाले के ऊपर आते हैं. ये तो हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट अबाउट दिस वन? सेंटर वाले के ऊपर आते हैं. इसके कितने, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? फोर. फोर. वो तो चेंज नहीं कर सकता है ना, ये वाला हो, ये वाला हो, या ये वाला हो, सबके पास चार ही रहेगा. ठीक है, चार में से दो अपने लेफ्ट वाले के साथ, दो अपने राइट वाले के साथ. ठीक है, जीरो लोन पेयर. तो लोन पेयर, लोन पेयर जीरो होगा. रुबीसा, इज इट ओके? यस सर.
सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? इट कैन बी टू. तो स्टेरिक नंबर क्या होगा? sp. sn is 2 and it is going to be sp hybridization. Very good. Let us talk about this. How many lone pairs? Zero. Sigma bonds. Sigma bond 3. 3. Steric number 3. sp2. Hybridization sp2. Very good. So we are able to understand it, this aspect at least. Theek hai? I'm happy. Let us come to this carbon. Theek hai? Blue yes, sir. Carbon. Yes, is carbon sir. Ka lone pair kya hai? Zero. Lone pair is 0. Sigma bonds 4. Lone pair 0. Sigma bond 4. Steric number ho jayega kitna? 4. 4. Hybridization sp4. sp3. sp3. Rubisa? Yes, sir. Is it okay? Yes. Did you understood? Yes. Next wale ka aap batao fir. How many lone pairs? It will be 2. It will be? 0. Okay. Sigma bonds? 3. Good. Steric number 3. Hybridization. It will be sp2. Trigonal planar. Very good. Chalega. Aage badhte hain. Is carbon ke bare mein ye bhi batao tum fir se. Lone pair will be 0. Okay. Sigma bond will be 2. Why 2? 2. Acha. Nahi, but why 2? Haan, 2 kyun? 1. No, 1, 2. It will be 3. It will be 3. Haan. स्टेरिक नंबर तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर रहा है. दो यहाँ पे रहे हैं और तीसरा हाइड्रोजन के साथ. स्टेरिक नंबर इज 3. दिस इज sp3 sp2. ठीक है. ओके. यस. लेट अस कम टू दिस कार्बन. इसका भी बताओ. लोन पे okay. Sigma bonds 4. Oh. Sigma bond 4 kaise hoga? 1, 2. It will be 2. It will be 2. Steric number? It will be 2. Hybridization? SP. Good. अभी अनुश्रेष्ठ बताएगा. इसका बताओ अनुश्रेष्ठ. सर लोन पर 0. सिग्मा बॉन्ड्स 2. स्टेरिक नंबर 2. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन sp. वेरी गुड. यहाँ पे राइट साइड से चालू करता हूं मैं. पहले दो वाले के बताएगा अभिषेक. ऑक्सीजन के बारे में बताओ अभिषेक.
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? छह. छह इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. वेरी गुड. उसमें से कितना ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है? दो सर. दो यूटिलाइज कर रहा है, तो बचेगा कितना इसके पास? टू पेयर लोन पेयर. टू लोन पेयर्स बचेंगे. वेरी गुड. तो लोन पेयर हम लोग लिख देते हैं टू. सिग्मा बॉन्ड्स कितने फॉर्म कर रहा है ये? वन सर. वन. तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया? sp2. थ्री सर. हाँ थ्री. और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. वेरी गुड. sp2. अब इस कार्बन के ऊपर आते हैं हम लोग. ये कार्बन को देख के बताओ इसका लोन पेयर कितना रहेगा? जीरो. जीरो. सिग्मा बॉन्ड कितना है? थ्री. थ्री कैसे है? एटम कितने एटम्स के साथ सराउंडेड है? सर फोर. फोर कहाँ है? एक तरफ एक ऑक्सीजन और दूसरा तरफ एक कार्बन. ये जो हाइड्रोजन है वो तो इस कार्बन के साथ जुड़े हुए है ना? यस सर. टू. ठीक है. यस सर. ये लिखा जाता है लिखने के कन्वीनियंस के हिसाब से कि इस वाले कार्बन के साथ, बट जिस कार्बन के साथ लिखा गया है उसके साथ ये जुड़े होते हैं. ठीक है. लिखने में राइट साइड में ही हम हमेशा लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट से काउंटिंग चालू करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएंगे. बात समझ में आ रही है? यस सर. सिग्मा बॉन्ड इज टू. SN क्या हो जाएगा? टू. टू. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एसपी. एसपी. वेरी गुड. So this is sp hybridized. Let us come to anusraced. Let us talk about this carbon. ठीक है. Lone pair zero. Bond pair sigma bonds. Two कैसे? Three. SN is equal to three. Therefore sp2. Let us talk about this. Valence. Positive charge किसके ऊपर रहता है हमेशा? Central atom. Central atom. Initially carbon के पास कितने electron? Valence shell electron कितने होते हैं? फोर. फोर में से एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया. ठीक है. तो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? तीन. थ्री. बॉन्ड कितने उसने फॉर्म किए हैं? थ्री. थ्री. तो लोन पेयर कितना बचा है इसके पास? जीरो. जीरो. ठीक है. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर. सिग्मा बॉन्ड कितना फॉर्म किए हुए है? थ्री. थ्री. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? सॉरी स्टेरिक नंबर क्या हो गया? स्टेरिक नंबर थ्री. हाइब्रिडाइजेशन sp2. लेट अस टॉक अबाउट दिस. CH3 माइनस. ठीक है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? वन. वन. और सिग्मा बॉन्ड्स कितने रहेंगे? थ्री. थ्री. तीन रहेंगे ना? यस सर. तो स्टेरिक नंबर क्या होगा? फोर. 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 हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3. 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 ठीक है. वेरी गुड. एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ यार मैं. मेरा
थोड़ी सी मेरी लालच बढ़ने लगी है आप लोगों को लेकर के. आई वॉन्ट यू गाइस टू लर्न समथिंग मोर, ठीक है. और एक छोटा सा स्ट्रक्चर और फिर मुझे चलो अब इधर हम लोग आते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर. स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बट गुड टू लर्न. ये कार्बन को देखो, कार्बन के पास इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, लोन पेयर कितने रहेंगे यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड्स कितना रहेगा, लोन पेयर वन रहेगा यहाँ पे, कार्बन पे लोन पेयर क्यों रहेगा. नो सर, नहीं होगा लोन पे, जीरो नहीं रहेगा सर, जीरो. गुड, जीरो. सिग्मा बॉन्ड्स थ्री, थ्री. स्टेरिक नंबर थ्री, थ्री. हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, एसपी टू. ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर देखते हैं तो क्या होगा, लोन पेयर वन सर. क्या बोल रही हो रुबीसा, आर यू सेइंग समथिंग? नो सर. ओके, लोन पेयर विल बी हाउ मेनी, वन. यहाँ पर दिखाया भी गया है ऑलरेडी कि वन लोन पेयर है, सो यू हैव टू. अगर ये नहीं बना होता तो फिर हमको काउंट करने की जरूरत होती. नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फाइव. पांच में से तीन अगर वो बॉन्ड के लिए यूज कर रहा है तो बचा कितना, दो. दो, दो. तो लोन पेयर कितना हो गया, एक. वो वन, इसमें ऑलरेडी वो सो किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं सो किया रहता तो हमको देखना पड़ता, ठीक है. सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, टू. टू सर. तो SN क्या होगा, थ्री. हाइब्रिडाइजेशन sp2. इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है. ये कार्बन लोन पेयर जीरो, जीरो. रूबीसा सिग्मा बॉन्ड थ्री, थ्री. ठीक है, स्टेरिक नंबर SN3, थ्री, थ्री. sp2. Let us talk about this nitrogen then. Yes, sir. This nitrogen, lone pair. One. Everyone agrees to it. Lone pair is equal to one. Yes, very sir. Good. Very good. Yes. How many sigma bonds? Three. Steric number four. Steric number four. Four. Hybridization sp3. sp3. Good. But यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, ये कैच मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को. इसका होता ऐसा है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इस कॉन्फ़िगरेशन में रहता नहीं है, ठीक है. यहाँ पर थोड़े से अल्टरेशंस होते हैं और ये नाइट्रोजन भी sp2 में आ जाता है. नाइट्रोजन sp2 बन जाता है, ठीक है. अब ये sp2 कैसे बनेगा, इसकी कहानी हम लोगों को पढ़नी होती है रेजोनेंस के अंदर में. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेजोनेंस, जिसके अंदर में वी विल सी देयर इज something called delocalization which will happen. ये वाला lone pair delocalization में participate नहीं करता है, ये वाला electron ये nitrogen का lone pair delocalization में participate करता है.
डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये एरोमेटिक बनता है, और इसकी वजह से ये डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है मैंडेटरली, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज नथिंग बट इट इज नोन एज पायरोल, ठीक है, पायरोल एंड इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी हैव टू डिस्कस मेनी अ टाइम्स, ठीक है। और इस पायरोल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है पायरोल में यहां पर भी CH2 होता है, दिस इज इमिडाज़ोल, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, इमिडाज़ोल है तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है, बट पायरोल के बारे में ज्यादा पढ़ना है। और इसका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए ये एक कंडीशन होता है कि जो सिस्टम हो वो sp2 हो, सारे एटम्स जो होने चाहिए sp2 होने चाहिए, यानी एक ऑर्बिटल जो होगा वो फ्री ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारे हाइब्रिड। हाँ बोलो ना। तो सर किसी एक सी के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है? हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, और डबल बॉन्ड इंस्टेंटेनियस डबल बॉन्ड रहता है, वो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा ना तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, ऐसे शिफ्टिंग डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। और यहाँ पर जैसे ऐसे डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है ना, वो आपके शुरुआती लर्निंग एंड ये के लिए बताया हुआ है, बाकी रियलिटी में ऐसे रहता है नहीं है कि ये फिक्स्ड डबल बॉन्ड्स रहते हैं। मेकिंग सेंस? यस सर। दे आर काइंड ऑफ रोटेटिंग, यू कैन से इट्स कीप ऑन चेंजिंग। मेकिंग सेंस? और देखो sp2 वाले में होता क्या है कि एक ऑर्बिटल हमारा ऐसे है हाइब्रिड वाला, दूसरा वाला ऑर्बिटल ऐसे है, और तीसरा वाला ऑर्बिटल हमारा ऐसे है, ठीक है, ये तीनों प्लेन में एक प्लेन में होते हैं, चौथा जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया वो कहाँ रहेगा, वो इस प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जाएगा, उसके दो लोब्स ऐसे प्योर वाले ऑर्बिटल के। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? ये जैसे हमारे तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए हैं, तो चौथा वाला ऑर्बिटल जो प्योर पी है वो कैसे दिखेगा, कैसे रहेगा? इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट, नीचे और ऊपर दोनों तरफ परपेंडिकुलर टू ये वाला प्लेन, ये जिस प्लेन में ये तीनों है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेरे, उसके परपेंडिकुलर रहेगा, और तभी तो साइड वे ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सॉरी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ना वो, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, चलेगा अभी, ठीक है। सो यहां वाले केस को हम लोग को अभी के लिए साइडलाइन करके रखना होगा। द रियलिटी इज कैलकुलेशन से हमारा sp3 आता है, बट इट इज एक्चुअली sp2, ठीक है, दिस इज एक्चुअली sp2, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं डिलोकलाइजेशन में। लेट अस कम टू दिस कार्बन। डिलोकलाइजेशन का मतलब नॉट स्टैटिक बॉन्ड्स, ठीक है। CH वाले केस के लिए क्या होगा? Zero lone pair. That is going to be as per the rules only. Lone pair is equal to zero. Sigma bond is equal to three. Steric number is equal to three. Therefore, hybridization sp2. ठीक है. Very good. Yes, let us come to this carbon. How many lone pairs?
One. How many sigma bonds? Two. One. Two. Sir, दूसरी कौन सी है? अरे दोनों हाइड्रोजन के साथ यस सर सॉरी सर एरिक नंबर थ्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 ठीक है दिस टाइप ऑफ इट इज एन इंटरमीडिएट दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में ये एक रिएक्शन जब हो रहा होता है तो ये बीच में पैदा होता है एक चीज दूसरे चीज के साथ इंटरैक्ट करेगा तो इट विल गेट बॉर्न एंड देन इट विल रिएक्ट विद समथिंग एल्स टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट्स ठीक है ना एंड दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन क्या बोलते हैं इसको सिंगलेट कार्बीन वेरी गुड लेट अस कम टू दिस यहां पर लोन पेयर कितने हैं वन सर कहां वन है लोन पेयर जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तब उनको पेयर बोलते हैं ठीक है सर दो अलग अलग है हाँ तो दो अलग अलग हैं तो लोन पेयर एक भी नहीं है लड्डू है ठीक है ओके सर दे आर कॉल्ड रेडिकल्स और रेडिकल्स को लोन पेयर नहीं बोलते पेयर्ड तब बोलते हैं जब ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन में एक सिंगल ऑर्बिटल में होता है ठीक है सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं यहाँ पे टू तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा टू हाइब्रिडाइजेशन एसपी ठीक है प्लेनर होता है ये लीनियर होता है ये एंड दिस वन इज कॉल्ड एज इस टाइप के अरेंजमेंट में कार्बन को बोलते हैं हम लोग ये पूरी चीज को बोलते हैं हम लोग दिस इज ट्रिपलेट कार्बीन क्या है ट्रिपलेट कार्बीन दैन इसको इनसे पाला ज्यादा पढ़ने वाला है आप लोगों को बस नाम के लिए पता कर लेना है ठीक है एक रिएक्शन में आप लोगों को देख लेना है इसको रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड मच एक सिंगल रिएक्शन इसका होता है वो होता है आपको इसके साथ सॉरी ट्रिपलेट का आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना होता है सिंगलेट का ये पढ़ना होता है इसका पढ़ना होता है एरोमेटिक में एक सिंगल रिएक्शन होता है राइमर ट्राइमर करके उसके टाइम पे इसको आपको पढ़ना होगा ठीक है दैट इज द ओनली रिएक्शन जिसके अंदर में फिनॉल करता है फिनॉल के ऊपर इसका इंट्रैक्शन होता है सिंगलेट कार्बीन का एंड इट फॉर्म्स एल्डिहाइड तो बेंजल्डिहाइड वही एक रिएक्शन है जहां पर सिंगलेट कार्बीन आप लोगों को पढ़ना है आप लोगों के सिलेबस में ठीक है एनीवे नाउ वी नो ऑल दीज so we can now move peacefully into Weber theory valence shell electron pair repulsion theory this is the third theory as such in the line regarding chemical bondings especially covalent bonding in order to explain the behavior of covalent bonding वैसे इस theory को आइडियल देखा जाए वीबीटी के बाद मतलब अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो ये आया है वीबीटी के बाद ठीक है बट इट इज एक्चुअली अ थिंग व्हिच हैज बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट व्हाट शुड आई से लेविस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ना बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग एंड ऑल तो अब वहां पर स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है इसको सपोर्ट करने के लिए या उसी हिसाब से इसको डेवलप किया गया था ठीक है ना हाउएवर इट केम आफ्टर वीबीटी
इट केम आफ्टर वीबीटी, ठीक है। बाद में लोगों ने क्या किया कि वेसेपर के कॉन्सेप्ट को वीबीटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ओवरलैप करा दिया, ठीक है। वेसेपर के कॉन्सेप्ट को वीबीटी के ऊपर ओवरलैप कराया। अब ये ओवरलैपिंग मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि इसको उसके ऊपर ओवरलैप कराया, वीबीटी के अंदर में हमने इलेक्ट्रॉन वेव्स वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद वेसेपर में अगर फिर से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डॉट्स के फॉर्म में हमको देखने की जरूरत पड़ती है, या उसको डॉट्स या इलेक्ट्रॉन्स फिजिकल एंटिटी के फॉर्म में अगर हम देखते हैं या उसके प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करते हैं, तो दैट इज समथिंग वेयर वी आर बैक ट्रैकिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, जो कि बोर्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है। एम आई मेकिंग सेंस? बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया गया है, राइट? यस सर। और सॉडिंजर्स में उसको वेव के फॉर्म में डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। वीबीटी में हम सॉडिंजर्स मॉडल के वेव थ्योरी को यूज कर रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे जो हैं वो क्या हैं, वेव के फॉर्म में है, इसलिए उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, उनके ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग हो रहा है। ऑन कॉन्ट्रारी अगर हम ये बोलते हैं कि अब फिर से इलेक्ट्रॉन्स मेरे जो हैं वो पार्टिकल फॉर्म में आ गए हैं और कहीं पर रह रहे हैं, वैलेंस सेल में रह रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज समथिंग वेयर वी आर गोइंग बैक टू लेविस थ्योरी। तो वैसे पर में है ये कि ये लेविस थ्योरी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आइडियली डेवलप किया गया था, ठीक है। बट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम हमने इसको एक्चुअली इस थ्योरी के अंदर डाल लिया, क्या बोलते हैं, वैसे वीबीटी के साथ भी क्लब कर लिया। और वीबीटी के साथ क्लब करने के बाद द बेस्ट थिंग विच हैपेंड इज we were now able to explain the structure of most of the compounds, ठीक है। बोलो अनुश्री, एक बार वापस से रिपीट करो ना, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ सर, ब्रेक हो रही। एक सेकेंड करता हूँ, करता ही नहीं हूँ मैं, लिखवा देता हूँ, डोंट वरी, उसको तुम लिख लो, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सेम चीज को, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। यस सर।
5 मिनट में आपने कुछ बताया था क्या क्या सॉरी पिछले 5 मिनट में आपने कुछ बताया था यही बताया था जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है ना यही चीज बताया था ये पढ़ लो और देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सो ठीक है सो वैसे पर थ्योरी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बेसिकली वीबीटी के बाद आया था ठीक है बट वीबीटी किस चीज पर बेस था ये बेस था हमारा सोडिंजर्स मॉडल के ऊपर वेव थ्योरी के ऊपर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ठीक है बट वैसे पर जो था दैट वाज अ सक्सेसर टू लेविस कॉसल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम पार्टिकल के फॉर्म में देखते हैं इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के साथ बॉन्ड कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सारी चीजों के ऊपर ये बेस्ड था वेसेपर थ्योरी ठीक है और यही प्राइमरी चीजें यहां पर बताई गई हैं या बता रहा था मैं और साथ में अब लेविस थ्योरी जो था डॉट स्ट्रक्चर जो था उसमें डॉट्स का अरेंजमेंट कैसे होगा उन दो डॉट्स के बीच की एंगल कैसे होगी जैसे अगर मान लो बीई एक डॉट इधर के साथ सीएल एक्स के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ठीक है इधर से दूसरा एक्स है सीएल है तो हम कैसे कन्विंसिंगली बोलें कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये वाला और ये वाला ये दोनों 180 डिग्री पर हैं ठीक है ये चीज कन्विंसिंगली लेविस थ्योरी नहीं बोलता था इस चीज को कन्विंसिंगली बोलने के लिए वेस्पर थ्योरी ने कुछ आइडियाज प्रपोज किए थे ठीक है ना वो आइडियाज
इनिशियली लेविस बॉन्डिंग थ्योरी के लिए थी, बाद में हमने उसको एज इट इज फॉर्म में वीबीटी के ऊपर भी डाल दिया कि ठीक है जैसा भी है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वॉन्ड हो गया हो जाने दो उसको, और वेव इक्वेशन की तरह उसकी बॉन्डिंग हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद भी हम उस पर अप्लाई कर देते हैं इसको। इससे बेसिक चीज ये हो रही थी कि हमारे जो भी अनसॉल्व पजल थे ना स्ट्रक्चर के, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाते, सारे मॉडिफिकेशन ये हो जा रहे थे, एक्सप्लेन हो जा रहे थे, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन जो भी हो रहे थे। वीबीटी बेसिक स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर ले रहा था, और उसमें वेसेपर का मॉडिफिकेशन अगर हम अप्लाई कर दे रहे थे तो लगभग सारे के सारे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो जा रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद कुछ बचता नहीं है जो कि नहीं एक्सप्लेन होता है, दो तीन चीजों को छोड़ करके। ठीक है, जैसे पहला एक चीज जो नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन हो पाता है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स नहीं एक्सप्लेन हो पाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा जो चीज नहीं एक्सप्लेन हो पाता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन नहीं एक्सप्लेन हो पाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स के पैरामैग्नेटिक नेचर जो है, पैरामैग्नेटिक नेचर मॉलिक्यूल में हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे जो थियरीज हैं इनका क्या है, पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग। ठीक है, बॉन्डिंग हो रही है मतलब पेयरिंग हो रही है, और पेयरिंग होने के बाद भी अगर आपका कुछ बचा रह जा रहा है अनपेयर्ड तो वो स्टेबल नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें मेजर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें लगभग ये एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एटलीस्ट सेप के रिगार्डिंग तो सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए थे इसमें वैसे पर ने, तो जो छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती है उनके लिए फिर हमको एमओटी के ऊपर जाना पड़ता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। चाहिए कौन सी दो नहीं कर पाता? अरे वो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक और ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और दूसरी चीज है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी को। ठीक है, वैसे पर का जब हम ये लिखेंगे, वैसे इसका प्राइमरी जो मोटिव है ना वो है स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करना हमारी। ठीक है, दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग द एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। एक आखिरी पॉइंट, VBT was based on wave nature of electrons. Still, Weisseper modifications which were suggested keeping Lewis Gaussian theory mine was extended to VBT and thus became
a strong to explain structural pattern of most of the molecules. ठीक है, अब इससे जो नहीं एक्सप्लेन हो पाते हैं ना, वो एमओटी या फिर रेजोनेंस के बाउंड्री में चले जाते हैं. ठीक है, तो दैट वी विल सी. Let the time come, we will see about it. MOT पढ़ने के बाद resonance भी पढ़ने हम लोगों को, so we will do that. But anyway, for now, this much explanation is fine. कि structural behavior को explain करने के लिए इसका evolution हुआ था, and it was successful in delivering the structural behavior of most of the molecules known till that era. ठीक है, इनफैक्ट आज भी हर जगह पे हम एमओटी के थ्रू एक्सप्लेनेशन चालू नहीं करते हैं, क्योंकि एमओटी एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने आप में काफी खतरनाक चीज है. सो ठीक है, सो लेट अस कंसंट्रेट ऑन द थियरी. ये एक चीज तो ये डेफिनेटली हम लोगों को पता चल गया कि इट इज देयर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है ना, व्हाट इट सेज मेन पॉइंट्स और की पॉइंट्स की फीचर्स of this theory. First point was the central atom in any molecule contains contain its valence cell electrons in two forms. ठीक है, पहला bond pair of इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है व्हाटएवर type of pair it might be, ठीक है ना, it just says that all the electron pairs whether bonded or lone all the electron pairs of valence cell
will try to arrange in space in such a way that a repulsion among them is minimum. ठीक है, so basically electron pairs, whether they are bonded pairs or whether they are lone pairs or a combination of them, that one is bond pair, one is lone pair, or one is bond pair and two is lone pair, or maybe one is lone pair and two is bond pair. So irrespective of nature of the electron pairs present in the valence shell of an atom or the central atom, वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम लिख लेते हैं हम लोग थोड़ी क्लैरिटी के लिए. ठीक है, सी ए इज सेंट्रल एटम. ठीक है, यू कैन राइट दिस ओवर हियर इटसेल्फ, दिस इज सी ए. एक सेकेंड, सी ए मॉलिक्यूल. ठीक है, सो रिपल्सन अमंग देम इज गोइंग टू बी मिनिमम. द थर्ड पॉइंट इज ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल is decided by number of bond pairs and number of lone pairs available with central atom. ठीक है, सी ये वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, एक्चुअली हमने वीबीटी में इसी के थ्रू वो जो आपको सिखाया है स्टेरिक नंबर निकालने के लिए, वो इसी पॉइंट के थ्रू सिखाया है. बात समझ में आया? और लेविस थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव चार्ज किस पर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज किस पर रहेगा, ये दोनों के सुपर इम्पोजिशन से सिखाया है. वीबीटी वाले से अगर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो देखो अपना एम, फाइनल एम क्या है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा वीबीटी के थ्रू. तो वीबीटी के थ्रू अगर पूछा भी जाता है तो ऐसे घुस करके वो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए ना, फॉर्मूला लिखने के लिए तो बोलेंगे नहीं. वैसा एक्चुअली वैसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, वीबीटी में भी नहीं होता है, वो बुक्स लिखने टाइम हम लोग डेवलप करके देते हैं. ठीक है, सो दैट बच्चे इजीली उसको अप्लाई कर पाए. तो एक्चुअल वीबीटी थियरी जो है उसके अंदर में वैसा ना, तो उसके अंदर में है ना, इसके अंदर में है. इसके अंदर में भी जो फॉर्मूला है वो यही है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर अवेलेबल विद द सेंट्रल एटम विल डिसाइड द ज्योमेट्री. अब उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट. उसको किसी फॉर्मूले में बना देते हैं, तो किसी ने एक बनाया, वो काफी सारी जगह पर अप्लाई होते होते देखा गया कि फेल नहीं हो रहा है, तो उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आ गया.
अगर कहीं फेल हुआ तो उसको पास करने के लिए जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस थे उस फॉर्मूले के अंदर में कर दिए गए. दैट इज हाउ दे हैव डेवलप्ड. सो इट्स ओके. द फोर्थ पॉइंट इज if central atom, see a central atom, central atom, see a contains only bond pair of electrons, ठीक है, then its shape will be regular that is symmetric else there will be distortion. Distortion का मतलब changes in it its shape. ठीक है. This means that is some unsymmetry will be introduced. अब देखो ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है, इसमें कुछ बहुत बड़ी सी चीज नहीं बोली गई है. इसमें बोला गया है सिर्फ ये कि अगर ये तीन सारे के सारे तीनों अगर बॉन्ड ही है, ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, वो पॉइंट नंबर टू में बोल दिया गया है. तो ये तीनों क्या होंगे, 120 120 120 पर अलाइन हो जाएंगे. ठीक है, हो गया. अब इन तीनों में से ऐसा होता है कि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड है और एक जो है वो लोन पेयर हो गया. ठीक है, तो लोन पेयर अब होता है क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है तो ये इस एटम का पार्ट, सेंट्रल एटम का पार्ट तो है ही, बट दूसरे वाले एटम के साथ भी ये शेयर्ड है. मतलब ये थोड़ा सा न्यूक्लियस इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेगा. बात समझ में आ रही है? अगर ये बॉन्डेड पेयर है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, तो ये इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेगा. बात समझ में आ रही है? ऑन कॉन्ट्रारी, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये ऊपर में जो ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ इसी एटम, सेंट्रल एटम से बिलोंग करता है, तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर रहेगा क्योंकि ये सिर्फ इसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? जब बॉन्ड करेगा तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द अदर एटम, बट वो थोड़ा दूर रिलेटिवली हो जाता है न्यूक्लियस से, क्योंकि वो सिर्फ उसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं रह जाता है. ठीक है, ज्यादा टाइम वो मिडिल पॉइंट के पास में बिताएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ये वाले जो होंगे ये फ्री टू मूव अभी भी रहेंगे, बॉन्डेड नहीं है तो, और ये ज्यादा टाइम थोड़ा क्लोजर टू न्यूक्लियस बिताते हैं. सो इनका एवरेज स्पेसिंग जो होता है या एवरेज सेपरेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट इज लेसर. ये एक ही एटम की बाउंड्री के अंदर में रहते हैं एंड दे स्टे क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये समझ में बात आ रही है?
हेलो यस सर यस सर ये बात समझ में आ रही है यस और नो क्योंकि ये समझ में आ रही है तो फिर मैं अगली वाली बात बताऊंगा नहीं तो ये वाली बात फिर से समझाऊंगा अब मैं एक बॉल निकालता हूं सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए ठहर जाओ ये बॉल ठीक है ये है मेरा सेंट्रल एटम और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट इसके सरफेस पे हैं ठीक है और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस से थोड़ा बाहर निकल जाएगा या ऐसे बोलो जस्ट सरफेस पे ना हो करके सरफेस के अंदर रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस से अंदर रहेगा और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा सरफेस पे रहेगा Are we getting this point? Bonded pair कहाँ रहेगा? Surface पे रहेगा क्यों surface पे रहेगा Overlapped orbital है उसका उसी में वो lie करेगा ना तो दूसरे atom के साथ overlapping जब हुई मान लो इस direction में overlapping हुई है तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा यहां पे रहेगा ठीक है वेरी क्लोज टू द सरफेस नॉन बॉन्डेड पेयर जो है वो कहां रहेगा दैट विल लाई समवेयर लाइक हियर एवरेज सेपरेशन उसका समवेयर लाइक हियर इसके कंपैरिजन में रेडियल सेपरेशन इसका कम रहेगा ये बात समझ में आ रही है So can you repeat the point you just told? Yes, I'm just saying जो bonded pair of electrons रहेंगे, जहां पर bond का formation हुआ है, दो atoms की overlapping, ये atom और ये atom, तो ये जो common area है, इसी में bonded pair of electron को रहना पड़ेगा, ठीक है? Therefore, its separation from nucleus of this first atom Wait. Separation from nucleus of first atom, let us call it RA. This is going to be, the RA is going to be greater than RB, where RB is the separation of electron, which is fully under the influence of only this nucleus theek hai aur orbital mein jo electron jo iske khud ke electrons hai uska separation jo hoga wo kam hoga theek hai ab aise mein just ek cheez aur sochiye agar same angle ho jaise yahan par angle theta ho raha hai ठीक है और ये भी एक लोन पेयर है और ये एक बॉन्ड पेयर है और यहां पर भी एक बॉन्ड पेयर हो ठीक है और यहां पर भी एंगल मान लो थीटा है ठीक है सो इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस राइट Minimum distance between these two lone pairs and these two bond pairs. अगर थीटा सेम है यहां पर दिख नहीं रहा है थीटा सेम I'll make it same. ठीक है अगर थीटा सेम है तो सेपरेशन किस में ज्यादा रहेगा लोन पेयर वाले केस में या बॉन्ड पेयर वाले केस में बॉन्ड पेयर वाले केस में सेपरेशन ज्यादा रहेगा ठीक है सेपरेशन अगर ज्यादा हुआ बॉन्ड पेयर वाले केस में मतलब रिपल्सन क्या होगा कम हो जाएगा यस और लोन पेयर वाले में रिपल्सन ज्यादा रहेगा यस है
बात समझ में आ रही है? रिपल्सन ज्यादा yes. हुआ मतलब कम स्टेबिलिटी, और रिपल्सन कम हुआ मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है? अभी देखो सेम yes. एंगल अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का भी हम कंसीडर कर लें, ये भी मान लो एंगल थीटा है, तो इसका सेपरेशन अगर आरसी है, आरसी रहेगा, तो आरए आरबी और आरसी में क्या रिलेशन रहेगा? आरए इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट फॉलोड बाय आरसी एंड लीस्ट विल बी द आरबी. यस, एम आई मेकिंग सेंस? एंड देयरफॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए सिस्टम दैट इज बॉन्ड पेयर ये वाली चीज एक्सप्लेन करके, फोर्स बिटवीन बॉन्ड पेयर्स इज गोइंग टू बी द लीस्ट, क्योंकि डिस्टेंस सबसे ज्यादा है उनका, और दैट विल बी, यानी फोर्स बिटवीन बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी द लीस्ट, फोर्स बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज गोइंग टू बी द सेकेंड, एंड force between lone pair and lone pair is going to be the maximum. Am I making sense? Yes, yes sir. बात समझ में आ रही है ना? So ये है हमारा next point. ठीक है, यही है हमारा next point. Point number 5. Since bond pair is under influence of two nucleus, two nuclei, so it is occupies less space but lone pair is under the influence of only one nuclei or nucleus. Yes. Occupies more space. देखो यहाँ पे स्पेस वाली जो पॉइंट है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फोर्स को हमें सेम करना है, अगर फोर्स को हमें सेम करना है तीनों में, तो रेडियल सेपरेशन का ऑर्डर क्या रहना चाहिए? रेडियल सेपरेशन हैज टू बी सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिस्टेंस है तीनों जगह पे सेम होगा तभी फोर्स बराबर होंगे, ठीक है? और डिस्टेंस ये वाला बराबर होने के लिए ये सेंट्रल एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? जहां पर कम ये सेपरेशन है, कम सेपरेशन है, वहां पर एंगल को बड़ा होना पड़ेगा थोड़ा, सो दैट सेपरेशन सेम लेवल का हो पाए, और जहां पर रेडियस बड़ा है वहां पर कम एंगल भी थोड़ा रहेगा, कम एंगल भी थोड़ा रहेगा, तो क्या होगा? डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच में,
Are we getting this point? जैसे अगर हम इतने डिस्टेंस पर ये सेम एंगल लेकर के चल रहे हैं तो यहां तक का ही अगर रेडियस लेते हैं तो इट विल बी द सेपरेशन विल बी दिस, बट यहां तक का अगर रेडियस लेकर के चलते हैं तो द सेपरेशन इंक्रीजेस. ठीक है, अब इस लेवल का सेपरेशन अगर मुझे यहां पर जनरेट करना हो तो एंगल काफी छोटा हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? स्टिल आई कैन जनरेट सेम लेवल ऑफ लैटरल डिस्टेंस. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये वाला डिस्टेंस लगभग सेम दिख रहा है. दिस थीटा, दिस ये अगर थीटा टू है, ये अगर थीटा वन है, थीटा टू इज डेफिनेटली गोइंग टू बी स्मॉलर देन थीटा वन. एम आई मेकिंग सेंस? हेलो. यस सर. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर. यस सर. ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट यहां पर में लिखा गया है. द बॉन्ड पेयर इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई सो इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. बॉन्ड पेयर्स जो है सेंट्रल एंगल पे, सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस पे कम एंगल सस्टेन करके भी इक्वल लेवल का सेपरेशन मेंटेन कर सकते हैं, इक्वल लेवल का फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रिपल्सन फोर्सेस, अगर कंपेयर टू लोन पेयर्स विच आर ओनली कंसेंट्रेटेड ऑन द वन पर्टिकुलर एटम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको नोट कर लिया हम लोगों ने? यस सर. ओके, let us say A is central atom and we have two lone pairs like this and maybe two bond pairs. तो यहां पर बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि दिस सेपरेशन, सबके बीच का सेपरेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. This is theta 1, this is theta 2, this is theta 3, this is theta 4. ठीक है, तो theta 1 is going to be the largest. ठीक है, followed by theta 2, which will be almost close to theta 4, and the least will be theta 3. This also says that अभी अगले point में इसी चीज को हम लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कि द रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन बिटवीन
बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज लीस्ट फॉलोड बाय बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन रिपल्सन एंड फाइनली हाईएस्ट रिपल्सन इज बिटवीन इज लीस्ट फॉलोड बाय एंड लोन पेयर वन लोन पेयर रिपल्सन is highest. ठीक है next point is the double bond do not affect the geometry को क्यों नहीं अफेक्ट करता है क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि वहां पर एक सिंगल बॉन्ड ही है क्योंकि एक ही सिंगल डायरेक्शन को वो ऑक्यूपाई कर रहा है ठीक है बट इट श्योरली occupy more space around central atom and hence will affect bond angle. ठीक है what it is trying to say is suppose इनमें से कोई भी एक एटम अगर डबल बॉन्डेड होता ठीक है तो ये एक लीनियर हेड ऑन ओवरलैपिंग तो कर ही रहा है साथ में एक साइडवे ओवरलैपिंग भी कर रहा होता इसका एटम इसके साथ ऑर्बिटल इसके साथ कर रहा होता ओवरलैपिंग नाउ इस ओवरलैपिंग में लीनियर ओवरलैपिंग के अलावा भी कुछ और वॉल्यूम यूज हो रहा होता अराउंड दिस ए एटम तो जैसे पहले अगर इसका स्प्रेड इतना था सिंगल बॉन्ड के टाइम पर तो अभी स्प्रेड क्या होगा दैट विल पॉसिबली इंक्रीज मे बी द स्प्रेड विल बिकम समथिंग लाइक दिस इजंट इट यस सर द स्प्रेड ऑफ ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज एंड देयरफॉर द डिस्टॉर्शन इन अदर्स या बाकी के बॉन्ड्स के ऊपर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ठीक है दैट इज व्हाट दिस इज ट्राइंग टू से देयर विल बी सम इफेक्ट ऑन द बॉन्ड एंगल व्हाट इफेक्ट्स विल इट मेक अगर इसका स्प्रेड बढ़ेगा तो बाकियों के लिए कम जगह रहेगा अराउंड द सेंट्रल एटम तो उनको कम होना पड़ेगा अकॉर्डिंगली एम आई मेकिंग सेंस यस सर So it is just saying that फिर से अगर ये मेरा सेंट्रल एटम है ठीक है एंड इट इज फॉर्मिंग मे बी मल्टीपल बॉन्ड विथ बी एटम्स
and then forming single bond with D atom and C atom. ठीक है. Suppose this angle is theta 1, this is theta 2, this is theta 3, this is theta 4. So the angles are going to be like theta 1 is going to be the greatest, followed by theta 2 equal to theta 4, and least will be theta 3. That means multiple bond repulsion will be greatest, followed by multiple bond and single bond repulsion. Right, and least will be single bond repulsion. Am I making sense? Repulsion order in multiple bond. And single bond system. Is it okay? एक और मान लो यहां पे लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड्स हैं. ठीक है, अभी कैसा रहेगा हिसाब किताब? इफ दिस एंगल इज थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 2, दिस एंगल इज थीटा 3, दिस एंगल इज थीटा 4, हाउ विल इट बी? ऑब्वियसली थीटा 1 इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट. ठीक है, what will be followed, theta 4 or theta 2? It will be theta. Which one? Theta 1 or theta 4? Sorry, theta 2 or theta 4? It will be theta 4, which will follow theta 1, followed by theta 2, followed by theta 3. ठीक है, lone pair, double bond pair, फिर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर, रिपल्सन सबसे ज्यादा इसी का रहेगा. लोन पेयर अगर रहेगा तो रिपल्सन इसी के थ्रू सबसे ज्यादा होएगा. ठीक है, डबल बॉन्ड वाले में सबसे ज्यादा, सिंगल बॉन्ड वाले में उससे कम, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले में इसके कंपेरिजन में कम रिपल्सन रहेगा, और सिंगल बॉन्ड वाले में सबसे कम रिपल्सन रहेगा. एम आई मेकिंग सेंस? हेलो. यस सर. ओके. यस सर. नाउ सेवेंथ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट और सेवेंथ पॉइंट, आई डोंट नो व्हिच पॉइंट इज इट. सेवेंथ पॉइंट. सेवेंथ पॉइंट. इन अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स. अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? दो स्ट्रक्चर्स प्राइमरली. ठीक है, और एक होता है हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल. ठीक है, ट्राइगोनल होता है और पिरामिड होता है ऊपर नीचे. इज इट ओके? अभी इसमें ये होता है कि
इसमें दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड टाइप, एंड दूसरा होता है एक्सियल बॉन्ड टाइप, ठीक है। इक्वेटोरियल ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, ये दोनों बॉन्ड्स, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एम आई मेकिंग सेंस? और एक प्लेन में जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये तीनों बॉन्ड दे आर टर्म्ड एज एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। इक्वेटोरियल और एक्सियल दो टाइप्स के बॉन्ड्स हैं हमारे। यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, दिस इज 120 डिग्री, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का एंगल विथ ईच ऑफ द प्लेन इज 90 डिग्री, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर में हम आते हैं, तो दूसरे स्ट्रक्चर में अगर हम आते हैं जो मेरा बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, यहां पर सेंट्रल एंगल बॉन्ड एंगल क्या रहता है, एक्सियल वाले बॉन्ड एंगल क्या रहते हैं, 72 डिग्री, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स, राइट, ये ऐसा ही रहेगा ना? यस सर। ये बॉन्ड्स हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और ये वाले बॉन्ड्स हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। सो इसमें बस ये बोला जाता है कि लोन पेयर्स जो होते हैं, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स जनरली ऑक्यूपाई, जनरली ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजिशन। हाँ बोलो, कौन है? दानिश, कितना टाइम हो गया? अरे यार, एक्सियल पोजिशन, एंड द लास्ट थिंग इज, इसको एक्सप्लेन में बाद में करूंगा, मोर ईएन एटम, इज दैट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजिशन, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, चलेगा। अब आप लोग इतना नोट करके आज के लिए क्लोज करते हैं। हाँ, मैं सर से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ऐसे रहेगा, उनको बोला तो नहीं था मैंने, बट मैसेज देखा है कि नहीं सर ने, वो एक बार देख लेता हूँ मैं कॉल करके। सर पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ यार, पीडीएफ भेजना है तुमको, मैं भेजता हूँ, भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। और सर वो रिकॉर्ड